बार जवाब देते हो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। फिर से करता हूँ मैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बेशक जिंदा जिंदा ऐसे सामाइन मिल जाए हबी साहब, बेशक फजिंदा अजान हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह आज की निजामत फरमा रहे हमारे। अल्लाह बरकत देना, बहुत खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं। और वही बड़े भाई हाफिज राशिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इनके हुक्म पर हम लोग चले आए। आपकी इस दयारे मोहब्बत में दरअसल हम लोगों की पहली बार हाजिरी हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप तमामी हजरत बेदार हैं। आइए ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू न करते हुए शायरी सफर का आगाज किया जाए। उससे पहले एक मरतबा आप सब मिल करके जी लगा करके पढ़ लें दुरूद शरीफ पढ़ें। اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى। दो पंक्ति हाजिर करता हूं, देखता हूं कि आप लोग कितनी देर सुनना चाहते हैं। एक मरतबा एडवांस में कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक अल्लाह। सुने सुने आप लोग सुने, स्टेज से हिंदुस्तान का मोहतबर शायर जनाब हाफिज जुनैद साहब की बुला आपके समातों के हवाले। दो बंद भजन करता हूँ इनायत बाबा बेशक अखलाक साहब को तशरीफ फरमाए माशाल्लाह। मैं हाजिर करता हूँ मुलाजा फरमाए। कि दिल का अरमान है, कहते सुभान अल्लाह, कि दिल का अरमान है, दिल का अरमान है, दिल का अरमान है, आरज़ू है मेरा सोया मुकद्दर जगा दीजिए। पहले मिसरा के ये आलम है तो आगे चल के क्या होता है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इसी तरह दारू तहसीन से नमाजते रहे, इंशाल्लाह सुनाने में मजा आएगा। कि दिल के मर न जाऊं कहीं खातमुल मुरसलीन, खातमुल मुरसलीन सबसे गुंबद किसी दिन दिखाई। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत। क्या क्या जब सानी मिश्रा आप तक पहुंच जाए तो आप मुस्तक पहुंच जाइए, ठीक है? और नहीं हो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। इंशाल्लाह पढ़ने वालों का हौसला जो अफजाई हो सकता है, आप तमामी हजरात को बखूबी मालूम होगा कि जो पढ़ता है, जो शायर जो पढ़ता है, उसको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत ज्यादातर जरूरत होती है। आप तमामी लोगों को बखूबी मालूम है, तो आप लोग मेरे साथ देते रहिए, इंशाल्लाह सुनाते रहेंगे। एक मरतबा और कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है। इस नाते पाक का एक शेर और इनायत बाबा। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक मर्तबा हजरत बिलाल से मुलाकात हुई, तो उन्होंने क्या कहा था हजरत बिलाल से, समाप्त फरमाए शेर बाबा बेशक। कि दिल का अरमान है के प्यार
बेशक तड़प के कह दे सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक नाते पाक और सहारा लेता हूँ, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम कमा तुहिब्बु व तरज़ा अदा मा तुहिब्बु व तरज़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक बेशक वाह वाह। ऐसे ऐसे इस शेर को मैं इस नाते पाक में ऐसा ऐसा शेर है, आप लोग इंशाल्लाह तड़प जाएंगे। भाई थोड़ी सी आप लोग कंजूसी को तोड़े और सहावत पे आए, फिर उसके बाद देखिएगा शेर हाजिर करता हूँ। हमारे उलेमा इकराम भी तशरीफ फरमाए हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेता हूँ, हाजिर करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए कि तड़पता है दिल और तरसती है आंखें, तड़पता है दिल कितने जलाले थे, ईमान लाने से पहले उनका आलम क्या था, देखिएगा शेर में आपको समझ में आएगा। हाजिर करता हूँ मुलाहिज़ा फरमाए कि तड़पता है दिल और तरसती है आंखें और नबी नजर से नजरें
नबी की नजर से नजर जब मिली है तो तलवार ही हाथ से गिर पड़ी है और उमर हाथ बांधे अदब से ये बोले। लोगों के मिजाज का मैं शेर कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो वहां से बोल सकते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा, दूसरा शेर पढ़िए। समझ में आ रहा है ना? बेशक बेशक बिल्कुल। देखिएगा ये वीडियो हो रहा है, आपका कल या परसों YouTube पर चढ़ जाएगा। ये मेरा चैनल है जुनेद रोहतासी, आप सर्च करेंगे आपका पूरा कैद हो रहा है इस कैमरे में, आप इसमें आ जाएंगे। मैं हाजिर करता हूँ मलेजा फरमाए। नबी की नजर से उमर हाथ बांधे अदब से ये बोले, उमर हाथ बांधे अदब से ये बोले, मुझे अपना कल दोबारा पढ़ने का माशाल्लाह आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने ये दादो तहसीन से नवाज रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं दूसरी मरतबा इस शेर को हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। इतनी सी हसरत मेरे दिल की आका, इतनी सी हसरत मेरे दिल की आका, मुझे अपना जल दिखा दीजिए ना, और नबी की नजर से नजरे जब मिली है तो तलवार ही हाथ से गिर पड़ी है, तलवार ही हाथ से गिर पड़ी है और उमर हाथ बांधे अदब से ये बोले, उमर हाथ बांधे अदब से ये बोले, मुझे अपना कल अदब से ये बोले, अदब से ये बोले, मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए ना, पढ़ा दीजिए ना, उमर हाथ बांधे अदब से ये बोले। इस नाते पाक
का बिल्कुल खूबसूरत मतलब हासिल करता हूँ पर्दे के हवाले से आज बहुत जरूरी है। आज हमारी कौम की बेटियों का क्या हाल है, आप जब जब तारीख पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हमारी कौम की बेटियों का क्या हाल है इस वक्त। पर्दे की कितनी सख्त जरूरत है। मैं इस शेर को हाजिर करता हूँ, मैं पढ़कर बताता हूँ और आप सुन करके बताएंगे इंशाल्लाह। हाजिर करता हूँ मुलाजा फरमाए। है इतनी सी हसरत मेरे दिल के आका। मौलाना इखलाक साहब आपकी नजर मुलाजा फरमाए। है इतनी सी हसरत मेरे दिल के आका। है औरत की ज़ात का सामान बुरका। बेशक प्यारा मतलब है औरत की ज़ात माँ के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। बेशक देखिएगा एक वफादार बेटा अपनी माँ से वो क्या चाहता है। आज किस तरीके से माँ को जलील किया जा रहा है। बेशक आप तमामी लोगों को पता होगा। मैं शेर हाजिर करता हूँ और इस पर भी मैं दावा कर सकता हूँ कि आप लोग खामोश नहीं रहेंगे। बेशक देखिएगा भाई आवाज को मत देखिएगा क्योंकि ईद के बाद ही से जो प्रोग्राम चल रहा है अब ये सिलसिला शुरू हो गया है प्रोग्राम का है ना। तो थोड़ी बहुत आवाज में कमी हो सकती है लेकिन इस शेर की सच्चाई में कमी नहीं हो सकती। शेर की सच्चाई में कमी नहीं हो सकती। आप लोग शेर को सुने और दिल की कानों से सुने और इंशाल्लाह दुआ करके यहाँ से उठे कि इंशाल्लाह जो यहाँ बात होगी उस पर अमल करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ी अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। कौन गांव है भाई? छाली छाली के लोग बड़े प्यारे लोग हैं माशाल्लाह। और हमारे भाई साहब लोग यहाँ तशरीफ फरमाए हैं शाम से ही बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और आमीन आमीन इनको कबूल फरमाए। देखिएगा एक शेर हाजिर करता हूँ मुलाजा फरमाए। मेरे दिल की आका रहेगा
قبروں کی رحمان इधर तो जो इधर खड़ा हूँ आप लोग उधर उधर देख रहे हैं मिलने वाला नहीं है। बहुत ही खूबसूरत शेर आपके समाजों के हवाले कमेटी के लोग इतना खूबसूरत ये मजलिस को सजाया है आप लोगों के लिए शेर हाजिर करता आप लोग गौर से शेर सुने कि बरसती रहे सदा मेरा घर हो बनारस के जन्नत सदा मेरा घर हो बनारस के जन्नत और मैं करता रहूं दिल से खिदमत मैं करता रहूं خدمت اے ماں مجھ کو ایسی دعا دیجیے نا بابا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا 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 میرے دل کے آقا اور برستی رہے را تو دن رب کی رحمان صدا میرا گھر ہو بنارس کے جنت اور میں کرتا بالکل آپ کی مزاج کا بالکل آپ کو سمجھ میں آئے گا اور سبحان اللہ کہتے رہیے گا اتنے لوگ اتنے لوگ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیے گا روہتاس کا جادو کیمرے پہ کیسے چلتا ہے ماشاءاللہ یہ بات ہوئے